चलिए स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री हेलोकेन हेलोरीन चैप्टर का नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे हेलोकेन हेलोरीन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे जो चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज है, और आज इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 को करने वाले हैं, क्योंकि 19 वाला जो क्वेश्चन है आपको वो मैंने आपको अंतर परिवर्तन मींस कन्वर्जन जब सिखाए थे उसमें मैं करा चुका हूं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए चैनल की प्लेलिस्ट पर ये बहुत दिन बाद लगभग 15-16 दिन बाद ये लेक्चर आएगा, क्योंकि बीच में बोर्ड परीक्षा और कॉपी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए चैनल पर प्रॉपर लेक्चर नहीं आ रहे थे। तो आज से हम फिर से एक बार इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स को, आगे भी 11th और 10th को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एल्किल क्लोराइड की जलीय क्वेच से अभिक्रिय द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक क्वेच की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। मैंने आपके लिए कहा भी था कि क्वेच एक्वस हैलोजन की जगह एल्कोहल कर देता है, जबकि क्वेच एल्कोहलिक अगर होता है तो एल्कीन बनती है, माने बॉन्ड बढ़ाने का काम करता है। जब मैंने आपको हेलोकेन वाला चैप्टर पढ़ाया है ये, तब वहां पर ये ट्रिक में भी लिखाया हुआ है कि क्वेच एक्वस तो हेलोजन की जगह OH को छोड़ देता है, माने एल्कोहल बनता है, और क्वेच एल्कोहलिक जब हेलोकेन पर लगाया जाता है तो बॉन्ड बढ़ जाता है, माने डबल बॉन्ड बनता है। तो उसी क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है, मैंने उस समय भी कहा था ट्रिक बताते टाइम कि इसका रासायनिक कारण है, इसका तर्क सहित उत्तर है जो कि मैंने लिखा भी है। तो पहले मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले इसका हाफ पार्ट लेते हैं। एल्किल क्लोराइड की जलीय क्वेच से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक क्वेच की उपस्थिति में एल्कीन बनती है। तो पहले हम इतना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि एल्किल क्लोराइड हेलोकेन जलीय क्वेच माने क्वेच एक्वस जब अभिक्रिया करेगा तो एल्कोहल बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सा फंडा है, देखिए जो ये क्वेच एक्वस होता है माने क्वेच जब जलीय होता है, जब जल में मिला होता है, इसमें जल की मात्रा होती है, तब ये पूरी तरह से के प्लस और ओएच माइनस आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, मींस जो ओएच माइनस आयन है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तब चूंकि ये प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक रागी है, नेगेटिव चार्ज है तो नाभिक रागी हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, नाभिक में प्रोटॉन है, माने पॉजिटिव चार्ज है तो खुद नेगेटिव है, तो इसलिए नाभिक रागी माने न्यूक्लियोफाइल। तो ये बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक रागी होने की वजह से हेलोजन को रिप्लेस करता है, प्रतिस्थापन कर देता है और खुद आके वहां पर लग जाता है और एल्कोहल बनाता है। ठीक, साथ में एक कारण ये भी है, देखिए मैं इसका कोई एग्जाम्पल मान लेता हूँ, जैसे हेलोकेन हम मान लेते हैं, दो कारण का हेलोकेन मानते हैं, ये रहा, ये हमने इसकी बैलेंसी कंप्लीट की, और अब आप इसकी क्वेच एक्वस से अभिक्रिया करा रहे हैं, जलीय क्वेच से करा रहे हैं, तो जलीय क्वेच क्या होता है, पूरी तरह से K प्लस और OH माइनस में आयनित हो जाता है, टूट जाता है, K प्लस आयन और OH माइनस आयन। चूंकि OH माइनस आयन मैंने भी बोला कि प्रबल नाभिक रागी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या काम करता है, इस Br को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं इसका स्थान लेता है, मीन्स CH3CH2OH आ जाएगा, KBr आपका निकल जाएगा, KBr के साथ चले जाएगा। साथ में देखिए होता क्या है, जो जलीय क्वेच में जब ये आयनित होकर के प्लस ओएच माइनस आयन बनाते हैं, तो एक तो ये हुआ प्रबल नाभिक रागी माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो एक तो इसलिए इसको प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। साथ में ये ओएच जब जलियोजित होता है, जब इसमें जल होता है, तो उस स्थिति में ये क्षारीय जो नेचर है इसका, जो बेसिक नेचर है, बहुत घट जाता है, बहुत कम होता है, और अगर इसका बेसिक नेचर कम होता है तो ये जो बीटा कार्बन है, तो अब अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह से जुड़े, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके पास वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो जब ये ओएच जलीय होता है, जलियोजित होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो होता है, प्रबल नाभिक रागी तो होता है, लेकिन ये जो है, जो इसका क्षारीय नेचर होता है, जो बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति होती है, वो बिल्कुल घट जाती है, तो बीटा कार्बन के पास से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाता, क्योंकि अगर ये दुर्बल क्षार है, ओएच माइनस क्षार है, बेस है, तो इसको अगर यहां से HIN एसिड होता है, अगर यहां से HIN मिल जाता तो HOH H2O बना देता, तो भी यहां पर एल्कोहल नहीं बनता, क्योंकि ये OH, भैया आप सीधी सी बात समझिए कि जो KOH एक्वस है, जो जलीय KOH है, वो पूरी तरह से आयनों में टूटा, K प्लस OH माइनस आयन, ये जो OH माइनस आयन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है,
इस एक तो कारण ये हुआ कि ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, इसलिए अल्कोहल बनता है। साथ में ये भी कारण है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी जलयोजित होता है। जलयोजित होने की वजह से इसका जो बेसिक नेचर होता है, जो क्षारीय प्रकृति होती है, बिल्कुल घट जाती है। इसलिए ये बीटा कार्बन से एच आयन नहीं निकाल पाता, क्योंकि जब ये क्षार की तरह काम ही नहीं कर रहा तो एच आयन यहां से लेगा भी नहीं, क्योंकि यहां से तो बीआर जाना है, तो एच आयन तो यहीं से मिलता है। बीटा कार्बन, बीटा कार्बन समझिए क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे जुड़े को बीटा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाता, क्योंकि ये वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। और अगर ये दुर्बल क्षार है तो यहां से जब इसे एच नहीं मिलेगा तो एच ओ एच एस टू बनाएगा भी नहीं। तो बस क्या होगा, सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, माने प्रबल नाभिक रागी है, लेकिन दुर्बल क्षार है, तो इस वजह से ये इसका प्रतिस्थापन कर देता है और खुद आके लग जाता है। अगर ये प्रबल क्षार होता तो फिर ये यहां नहीं लगता, फिर क्या करता, ये ओ एच इस एच को निकालता, एस टू बनाता, यहां से के बी आर के साथ निकलता और बीच में डबल होता। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये के एच अल्कोहलिक की बता रहा हूँ, कि क्यों एच अल्कोहलिक ऐसा करता है, जो कि अभी हम देखेंगे भी। तो इसलिए मैं, चूंकि पहले हाफ का ही आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इसको देखते हैं। जलीय विलयन में जो के एच होता है, ये के एच जब ये जल इसमें मिला होता है, ये लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है, और आयनित होकर क्या देता है आपको, ओ एच माइनस आयन देता है। ये ओ एच माइनस आयन क्या है, प्रबल नाभिक रागी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो प्रबल नाभिक रागी होने के कारण एल्किल हैलाइडों पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाता है, माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से, प्रबल नाभिक रागी होने की वजह से ये हेलो एल्केन के साथ इसको प्रतिस्थापित कर देगा बीआर को, और यहां पर क्या बनाता है, ओएच माने अल्कोहल बनाता है। फिर लिखा है तथा जलीय विलयन में, चूंकि ओएच माइनस आयन है तो जलीय विलयन में, उच्च जलयोजित होते हैं, माने जल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इस कारण ओएच माइनस आयन का जो क्षारीय गुण है, जो बेसिक नेचर है, वो घट जाता है। और जब ओएच माइनस आयन का बेसिक नेचर घट जाएगा तो ये जो OH- माइनस आयन है, एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, ठीक है ना, ये देखिए परमाणु नहीं निकाल पाते तथा एल्किल नहीं बना पाते। मींस दो बातें हुई कि QH जब जलीय स्थिति में है, एक्वस है, तब वो पूरी तरह आयनित होकर OH- आयन देगा। ये OH- आयन एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक रागी है, इस वजह से प्रतिस्थापन कर देता है और अल्कोहल बनाता है। साथ में ये OH- आयन जलयोजित है, क्योंकि जलीय के OH से बना है, तो जलयोजित होने की वजह से इसका जो बेसिक नेचर है वो घट जाता है क्षारीय लगुण, तो इसलिए इसको एच आयन की जरूरत ही नहीं होती। और जब बीटा कार्बन से एच आयन निकलेगा नहीं तो एल्किन बनेगी नहीं, इसलिए क्या होता है, QH एक्वस हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट कर अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है, इसलिए अल्कोहल बनाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको सेकेंड हाफ का जो आंसर है कि अल्कोहलिक क्यों एल्कीन क्यों बनाता है, उसकी बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट में, तो देखिए क्या था दूसरा पार्ट, कि अल्कोहलिक क्यों की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, कि माने जब हेलो एल्केन की क्रिया, अभी मैं जो एग्जाम्पल लिखा था उसी के लिए लिख देता हूँ, दो कार्बन का हेलो एल्केन हमने लिखा और इसका अभिक्रिया हमने क्यों अल्कोहलिक से कराया, ये अल्कोहलिक क्यों है। तो देखिए होता क्या है कि जब अल्कोहलिक होगा, माने इसमें अल्कोहल मिला है क्यों में, तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए QH में ये अल्कोहल मिला ROH, तो यहाँ से ये RO- माने इसको एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, तो एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। और इस एल्कोक्साइड आयन की उपस्थिति में ये वाला जो OH- आयन अब रहेगा, ये प्रबल क्षार रहेगा, और अगर ये प्रबल क्षार होगा तो इस प्रबल क्षार को यहां से बीटा कार्बन से एच आयन मिल जाएगा। भाई ये क्षार है, क्षार है तो इसको एसिड चाहिए, माने ये बेस है, बेस को एसिड चाहिए, एसिड माने एच आयन चाहिए, तो OH माइनस, ये OH माइनस इसको रिप्लेस नहीं करेगा, अभी इस OH को कौन मिलेगा, H मिलेगा, मींस H2 बनाएगा, साथ में ये KBr बनाएगा। और फिर यहां से जब H गया, यहां से Br गया, तो ये ब्लो पर अभिक्रिया होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां से कार्बन की वैलेंसी कम हुई H के रूप में, यहां कार्बन की वैलेंसी कम हुई Br के फॉर्म में, तो यहां से जब एक वैलेंसी कम तो एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, मैं चैप्टर में आपको बता चुका हूं। तो ये CH2 था, एक बॉन्ड इंक्रीज होगा तो ये देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, माने एल्कीन बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब KH अल्कोहलिक रहेगा तो अल्कोहल की प्रेजेंस रहेगी, अल्कोहल की उपस्थिति रहेगी, माने एल्कोक्साइड आयन होंगे, इन एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में उपस्थिति की वजह से ये वाला जो OH- आयन है ये एक प्रबल क्षार की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए होगा, एसिड, एसिड मींस एच आयन चाहिए होगा, OHH के साथ मिलकर H2O KBr के साथ, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा और एल्कीन आपका बन जाएगा। जब KH एक्वस था,
जलीय था उसमें वाटर था, तो ओ एच माइनस बिल्कुल अलग हो गया था, पूरी तरह से आयनिक था, और वो ओ एच माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो था लेकिन वीक बेस था, दुर्बल क्षार था, तो दुर्बल क्षार था तो उसको एच आयन नहीं मिल पाया, इसलिए वहां पर इस ओ एच माइनस आयन ने इस बी आर को रिप्लेस करके एल्कोहल बनाया था। तो क्यू एच एक्वस इसलिए कहते हैं कि जब हेलोलकेन से क्यू एच एक्वस मीन्स जलीय क्यू एच रिएक्ट करता है तब वो एल्कोहल का निर्माण करता है, और अगर क्यू एच एल्कोहलिक रिएक्शन करता है तब फिर वो एल्कीन बनाता है। मीन्स क्यू एच एक्वस के टाइम पर तो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जब क्यू एच एल्कोहलिक रिएक्शन करता है तब रिएक्शन होता है विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है मीन्स एलिमिनेट होती हैं चीजें इसमें से निकलती हैं, इसलिए बॉन्ड इंक्रीज होता है। और अगर मान लीजिए जब क्यू एच एक्वस होता है तो रिप्लेसमेंट हो रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को मैं चक्रव्यूह प्रश्न क्या दे देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए करने के लिए आपको वो जो सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, क्या होता है जब माने व्हाट हैपन व्हेन में, या कैसे रूपांतरित करेंगे मीन्स कन्वर्जन में जो आपको ट्रिक मैंने बताई है, उनका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि इसमें वो क्या करते हैं, तीन तीन चार चार तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं वो उनको मिलाकर लिख देते हैं, स्टेप वाइज उनको मिलाकर लिख देते हैं, और आपको संरचना सूत्र और उससे रिलेटेड रिएक्शन लिखना होता है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़कर देखें तो देखिए क्या है, कोई प्राथमिक एल्किलेलाइड है माने वन डिग्री का एल्किलेलाइड है जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र लिखा हुआ है C4H9Br, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है कि कोई चीज क्या है। इसकी अगर रिएक्शन आप एल्कोहलिक क्यूएस से कराएंगे तो आपको यौगिक खै मिलेगा, तो आपको एल्कोहलिक क्यूएस से इसका रिएक्शन कराना आना चाहिए, तो खै मिला। ये जो कंपाउंड खै बना इसकी जब HBr से क्रिया कराई जाती है तो गै बन जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या देखिए, जो गै बनता है वो क्या का समावयवी है माने आइसोमर है, साथ में जब यौगिक क्या की अभिक्रिया सोडियम धातु से आप कराते हैं माने जो ये क्या था स्टार्टिंग वाला, जब आप सोडियम से कराएंगे तो ये यौगिक C8H18 बनेगा। जाहिर सी बात है चार कार्बन का हेलोलोगेन है, सोडियम ईथर मीन सोडियम धातु से रिएक्शन माने वुड्स रिएक्शन, तो ये आठ कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए माने C8H18। लेकिन जो भी ये बनता है C8H18 वो ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा भिन्न है, माने अगर ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर हुआ तो फिर सोडियम से क्रिया करने पर भी तो C8H18 बनेगा, उससे भिन्न है ये C8H18 माने नॉर्मल वाला नहीं है। यौगिक कै खै गै घै को पहचानिए, माने जो चार बात आई है कै खै गै और घै जो ये बने हैं उनके आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूले देने हैं और वो सब अभिक्रियाएं भी लिखनी है। तो देखिए फिलहाल मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा तो इसको मैं इसलिए चक्रव्यूह क्वेश्चन कह रहा हूं क्योंकि इसमें कम से कम चार रिएक्शनों को उन्होंने स्टेप वाइज मिलाकर लिखा हुआ है। जैसे महाभारत के टाइम पर जब आपने देखा होगा कौरव लगातार हार रहे थे तो द्रोणाचार्य को तब दुर्योधन ने कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम पांडवों को आसानी से हरा पाए, तो उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया था जिसमें से प्रवेश करने के बाद निकलना केवल अर्जुन को ही आता था पांडवों की तरफ से। अब आप ये सोचिए कि चक्रव्यूह उस समय भी कितना टफ था, तो चक्रव्यूह नाम अगर मैंने इस क्वेश्चन को दिया है तो सोचिए थोड़े से टफ क्वेश्चन होते होंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको वो ट्रिक्स बताई हुई हैं, वो स्टेप वाइज बताए हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे तो एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन चूंकि ये पहला क्वेश्चन आया है इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके बाद ऐसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, तो आप उनको सिस्टमेटिक स्टेप वाइज जब उनको देखेंगे जैसा मैं करना बता रहा हूँ आप कर पाएंगे। लेकिन मेन वही है, जिसको ट्रिक याद है और जिसको अप्लाई करनी आती है, ट्रिक लगानी भी आती है, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और जो इस क्वेश्चन को कर पाएगा वो समझ लीजिए ऑर्गेनिक का बिल्कुल मास्टरपीस होगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपने वो क्या होता है जब और कन्वर्जन, दो तरीके के क्वेश्चन वो और उनसे संबंधित ट्रिक्स आनी चाहिए और आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो इस क्वेश्चन को कर पाते हो माने ऑर्गेनिक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हिंट यहां से मिलेंगे। देखिए पहला लिखा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br, माने ये जो एल्किल हैलाइड है पहली बात, और प्राथमिक लिख दिया प्राइमरी लिख दिया इसका मतलब वन डिग्री का है। तो वन डिग्री बनने के लिए देखिए आप ध्यान से देखिए, वन डिग्री बनने के लिए चार कार्बन सीधी लाइन में लगाए और बी आर मैंने यहां लगाया, क्योंकि बी आर जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, तो वन डिग्री होगा। तो फिर इसकी वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे, भाई दो वैलेंसी हो रही है तो कार्बन तो लगाएंगे नहीं, फिर हाइड्रोजन ही लगा देंगे, इनमें भी ऐसे हाइड्रोजन लगाते चले जाएंगे। वैलेंसी कंप्लीट करना मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में सिखाया ही है। तो आप देखिए वन डिग्री का हेलोलोगेन है,
क्योंकि बी आर जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, डिग्री निकालना ही मैंने आपको बताया। जो स्टूडेंट्स केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर से स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक को देखते आएंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो आप देखिए ये जो वन डिग्री का हेलो एल्केन है, तो प्राथमिक एल्केन हैलाइड हो गया, उसको चेक कर लेते हैं क्या ये सी फोर एच नाइन बी आर ही है। तो देखिए कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 चार कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 दोनों सी फोर एच नाइन हुआ, बी आर एक है, तो हाँ सी फोर एच नाइन बी आर है। इसको जब वो के एच अल्कोहलिक से रिएक्ट करा रहा है, ये रहा भाई के एच अल्कोहलिक, तो कोई खे बनता है, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, जब इन्होंने के एच अल्कोहलिक से रिएक्ट कराया। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिख के बैठ जाए, उसको ट्रिक नहीं आती तो क्या ही करेगा वो। तो मैंने आपको कहा है कि के एच अल्कोहलिक से जब रिएक्ट करेगा तो के बी आर के साथ जाएगा, और अल्कोहलिक की वजह से इस ओएच को क्या मिलेगा, जिस कार्बन के पास से बी आर गया है उसके नियरेस्ट कार्बन से एच मिलेगा, माने यहां से मिलेगा। तो देखिए यहां से एच गया, यहां से बी आर गया, तो यहां पर एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, माने एल्कीन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस के बी आर और प्लस एस टू, तो ये कंपाउंड आपका खे बना। ये भी मैं आपको के एच अल्कोहलिक वाला पिछले क्वेश्चन में बता भी रहा था इससे पहले वाले में। तो देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br था, इसका जब KH अल्कोहलिक से रिएक्शन हुआ तो ये खे बन गया, ये लिखा है अभिक्रिया कर योगी खे देता है। फिर ये जो योगी खे है, माने ये जो बना है, ये HBr से क्रिया करता है और योगी क्या बनाता है, कोई और कंपाउंड बनाता है, इसको नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो ये खे कंपाउंड है आपका, HBr से रिएक्शन हो रहा है। तो HBr में जो नेगेटिव पार्ट होता है असाइमेट्रिक एल्कीन है, असममित एल्कीन है, तो असममित एल्कीन मींस डबल बॉन्ड से इधर और इधर जो कार्बन लगे हैं उन पर अलग अलग हाइड्रोजन की संख्या है, इसलिए इसको असममित एल्कीन बोलेंगे। तो ये मैंने आपको पहले बताई हुई है बातें। तो असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा है, एड हो रहा है, तो जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहां पर कोई कैटलिस्ट तो लिखा नहीं, पराक्साइड कैटलिस्ट होता तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलता जहां पर ज्यादा एच होते। तो अभी फिलहाल नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जहां कम एच है, तो इस पर एक एच है, इस पर दो एच है, तो बी आर मिलेगा इसको और एच मिलेगा इसको, ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू, इसको मिला बी आर और इसको मिला एच, ये बना और इसका नाम हो गया गै गै, इनकी नेमिंग बाद में लिख लेंगे। तो कै खे खे ने इससे रिएक्ट करा तो बना गै। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, योगी गै देता है, जो गै जो है कै का समावयवी है, माने कै और गै का जो फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि समावयवी माने आइसोमर, और आइसोमर क्या होते थे, मैंने स्पेशली आपको इसी चैनल पर इसी ऑर्गेनिक स्टार्ट करते समय समावयवी बता, माने आइसोमेरिज्म का पूरा एक लेक्चर बताया हुआ है, तो वहां पर मैंने आपको ठीक से बताया, उसको देख लेंगे एक बार। तो कै और गै आपस में आइसोमर है क्या, है समावयवी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर वन पर बी आर लगा है, यहाँ नंबर टू पर लगा है, फॉर्मूले दोनों के सेम है, क्योंकि कार्बन इसमें भी चार है सी फोर है, एच इसमें देखिए 3 2 5 6 और 3 9 सी फोर एच नाइन बी आर है, ये भी सी फोर एच नाइन बी आर है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मीन्स अणुसूत्र तो दोनों का सेम है कै और गै का, लेकिन संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग है, तो ये बात भी सही होगी, चलिए समावयवी है। लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, जब योगी कै की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, कै को नोट करते हैं भाई, कै नोट किया हमने, अब इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं सोडियम धातु से, तो आपको मैंने बताया ही था कि जब सोडियम से इसका रिएक्शन होता है तो ये बुर्ज रिएक्शन है, और बुर्ज में इसका डबल हो जाता है, मीन्स यहाँ टू लेंगे, ये टू टू एन ए टू बी आर के साथ जाएंगे, और ये जितना है उतना ही पलट के आपका लग जाएगा, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, आगे भी यही हो जाएगा सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री टू एन ए बी आर, इसको बोल रहे हैं आप घे। लिखा है जब योगी कै की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो योगी घे माने सी एच एच एटीन बनता है, ये रहा, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। तो अब ये देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा क्वेश्चन अभी गलत होने वाला है, और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पहले आपको ऐसे बताया है, गलत होने वाला है। कैसे, वो कह रहे हैं कि जो सी एट एच एटीन बना है, माने तो यौगिक है सी एट एच एटीन बनता है, आप गिन लीजिए 8 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 2 15 और 3 18, तो सी एट एच एटीन ही बना है, लेकिन
ब्यूटिल ब्रोमाइड की, ब्यूटिल ब्रोमाइड ही है, ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। माने जो C8H18 बनना चाहिए, माने यौगिक कै की क्रिया अगर सोडियम धातु से कराई जाए तो C8H18 बनना चाहिए। तो लिखा है जब यौगिक कै की अभिक्रिया सोडियम धातु से हो तो यौगिक है C8H18 बनना चाहिए, बना। लेकिन ब्यूटिल ब्रोमाइड की, ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। माने 8 कार्बन का एल्केन तो बने, लेकिन ब्यूटिल ब्रोमाइड की जब सोडियम से क्रिया कराई जाए उसके उत्पाद से भिन्न बने। तो इसका मतलब ये तो देखो उसके उत्पाद जैसा ही बन गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड का उत्पाद ये है तो उसी के जैसा बन गया घै। लेकिन वो प्रश्न में क्या कह रहा है, घै ऐसा होना चाहिए जो C8H18 तो हो, 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन वाला तो हो, लेकिन ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होना चाहिए, माने इससे अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधी श्रृंखला वाला हैलोजन नहीं। यहीं पर आकर समझ लीजिए अभिमन्यु फंस गया था, चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु फंस गया, वापस निकलना उसको नहीं आता था, सेम यही है। तो इसलिए मैंने आपको पहले गलत तरीके से बताया, गलत से मेरा मतलब यह है कि जैसा जैसा आपको लगता वैसा वैसा बताया। लेकिन हम कहां जाके पकड़े गए कि यार यहां पर तो ये कह रहा है कि बनना तो C8H18 चाहिए, लेकिन ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न बनना चाहिए। माने ब्यूटिल ब्रोमाइड की जब सोडियम से क्रिया कराएं और जो एल्केन बने उससे एल्केन से अलग बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, होना तो प्राथमिक एल्केन चाहिए, लेकिन ब्यूटिल ब्रोमाइड नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए। यहां पर ब्यूटिल ब्रोमाइड की जगह नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड भी था क्वेश्चन में, कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम सोडियम से कराए तो सीधी श्रृंखला के 8 कार्बन का एल्केन बने। वो कह रहा है कि इससे भिन्न होना चाहिए, तो इससे तो भिन्न होना चाहिए, फिर भी प्राथमिक एल्केन हैलाइड होना चाहिए। तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं, वो इसलिए क्योंकि फिर ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड ये नहीं होगा, क्या माने C4H9Br ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो 8 कार्बन सीधी श्रृंखला में आएंगे। और वो कह रहा है कि सीधी श्रृंखला वाला मीन्स C8H18 तो बनना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया कराने पर जो उत्पाद बनता होगा 8 कार्बन का उसके जैसा नहीं होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला जैसा होना चाहिए। तो पहले मुझे आपको गलत करके इसलिए बताना पड़ा जिससे कि आप ठीक से सही समझ पाएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे इस चीज को करना है। ठीक, तो इसको मैं रफ करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहां पर अब हमें इतना पता चल गया यहां तक पहुंचने से कि प्राथमिक एल्केन हैलाइड होना चाहिए, लेकिन ये प्राथमिक एल्केन हैलाइड होने के साथ नॉर्मल नहीं होना चाहिए, मीन स्ट्रेट चैन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर C8H18 तो बनेगा, लेकिन वो C8H18 हमसे जो पूछा है वो वाला नहीं बनेगा। मीन C8H18 नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न बनना चाहिए, माने इस 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला से तो बनना तो 8 ही कार्बन का एल्केन चाहिए, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला का बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, फिर मैं यहीं से देखिए ऐसे एक साथ रफ नहीं कर रहा हूं, आपको इसी में चेंज करके दिखाता हूं। तो क्या आपका होना चाहिए, ये 1 डिग्री बनाना है तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो एक ही कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से वो जो कार्बन में हटा है उसको यहां लगा सकते हैं, बैलेंस देखिए कंप्लीट है, कार्बन की 2 और 2 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसकी 3 और 1 4, इसकी 3 और 1 4। अब आप देखेंगे अभी भी C4H9Br है, क्योंकि कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 है, C4H9 और ये Br। तो ये क्या हो गया, अब अगर इसकी अभिक्रिया, क्योंकि देखिए नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं रहा, रहा प्राथमिक, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, भाई इसकी जगह थोड़ी ना और कार्बन लग रहा है, ये तो अकेले ही कार्बन से कनेक्ट है ना, तो ये तो 1 डिग्री हुआ, तो प्राथमिक एल्केन हैलाइड हुआ, लेकिन नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड अब नहीं है। अब इसकी क्रिया फिर से भाई वही चलिए, तो C4H9Br हुआ, ये क्या हो गया, इसकी क्रिया जब आपने एल्कोहलिक KOH से कराई तो खै बना, तो अब इसकी KOH एल्कोहलिक से कराते हैं तो KBr के साथ जाएगा, OH को H मिलेगा, तो जिस कार्बन से Br गया उसके निकटवर्ती से मिलेगा, माने यहां से मिलेगा, तो क्या एल्केन बनेगी, देखिए अब आप CH3 यहां देखेंगे C, यहां से H निकल चुका है, यहां से Br, तो बीच में बॉन्ड यहां बढ़ जाएगा, CH2 ऊपर CH3 लगाइए, बाकी KBr के साथ गया, KBr OHH के साथ गया H2, तो ये आपका खै बना, बन गया एल्केन। इसको ही नोट कीजिए, क्योंकि जो ये खै वाली एल्कीन थी इसको CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस HBr कराया,
तो जब आप HBR कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव पार्ट है HBR का, डबल बॉन्डेड उस कारण को जाएगा जहां कम एच है, तो इस पर तो एक भी एच नहीं है, इस पर दो है, तो इसको मिलेगा BR और इसको मिलेगा एच, और ये आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक गैप बनने वाला है, देखिए ये हुआ CH3 C, इसको भी आर मिलेगा, तो ऊपर तो लगा है CH3, गैप यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे को लगा दिया मैंने BR बॉन्ड सिंगल, और इसको CH2 को मिलेगा CH3, तो ये आपका गैप बन गया। बात करें अगर हम इस गैप की, तो अब आप ये भी चेक करिए कि गैप जो है क्या का समावयवी है कि नहीं है। तो आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, तो C4H9 और एक BR है। तो कै और गै का दोनों का अणुसूत्र सेम है, माने C4H9BR ये है, C4H9BR ये है। कै में तो देखिए यहां पर C से लगा है CH3, यहां पर क्या है, C से BR CH3, माने 3 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो कै और गै का अणुसूत्र सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके संरचना सूत्र अलग है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग है। तो कै और गै एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावयवी भी हैं, तो यहां तक बिल्कुल बात सही है। इसके बाद वो कह रहा है इधर जो कि योगी कै का समावयवी भी हो गया, फिर देखिए जब योगी कै की, फिर कै नोट कीजिए, क्योंकि अब आपका कै नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं है, अब आपका ये है तो 1 डिग्री का, लेकिन टेढ़ी श्रृंखला में लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको कै को नोट करूंगा तो कह रहा आपका CH3 CH CH3 CH2Br+Na। तो अब देखिए जब ये वुड्स रिएक्शन होगा, जब Na कराया, एरो पर इधर लिख लीजिए, तो देखिए जब इसका ट्वाइस करेंगे, दोगुना करेंगे, तो ये 2Br हो गए, तो ये 2Na भी हो जाएंगे, तो 2Na तो 2Br के साथ जाएंगे, तो जितना पोर्शन जैसा है वैसे का वैसे ही उधर पोर्शन लगेगा। तो पहले मैं एक सिंगल पोर्शन लिखता हूँ CH3 CH, ऊपर CH3, आगे CH2 CH2, से आगे बॉन्ड छोड़ा, फिर जैसा ये था इसको वैसे ही पलट के लिख दीजिए, तो CH2 से CH2 जोड़िए, CH2 से देखिए CH जुड़ा था, CH3 इधर को भी, CH3 इधर को भी, माने ये भी CH3 और यहाँ भी CH3 और +2NaBr, ये बना आपका घे। और इसको आप देखिए C8H18 ही है, कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 एच गिनी हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 3 7 2 9 2 11 1 12 3 15 और 3 18, तो C8H18 है, घे है। लेकिन अब जो ये C8H18 बना, लिखा ना घे C8H18 बनता बना, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। तो अब आप देखिए नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड में कि जब हम सोडियम से क्रिया करा रहे थे, जब नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड था, माने सीधी श्रृंखला वाला 4 कार्बन का हैलोजन था, सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो 8 कार्बन का तो बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट चैन मिली थी। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होना चाहिए, तो देखिए भिन्न है, क्योंकि सीधी श्रृंखला का तो नहीं है ना कि 8 कार्बन वाला एल्केन, अब तो टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला का। फिर आया योगी कै, खै गै को पहचानिए, तो योगी कै आपका ये है, खै आपका ये है, गै आपका ये है, और घै आपका ये है। फिर वो कह रहा है कि इनके संरचना सूत्र दीजिए, तो संरचना सूत्र आ गए इनके, तथा इनसे संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो मैंने उनसे संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिख दिए। रही बात इनके नेम लिखने की, तो IUPAC नेम लिखिए इसका, 1 2 3 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो पहले 1 ब्रोमो आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका लिखेंगे तो 1 2 3 2 मेथिल प्रो 1 इन, ये हो गया। इसको लिखेंगे तो 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर और 5 पर 2 5 डाइमिथाइल और 6 कार्बन सीधे श्रृंखला में नंबर देंगे तो हेक्सेन, 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चक्रव्यूह क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको सारी ट्रिक्स आती हैं, वो याद भी है ट्रिक, और उनको लगाना भी आता है, उनको अप्लाई करना भी आता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि के जल गोली कैसे रिएक्ट करता है तभी तो कर पाएंगे, फिर कैसे HBR से रिएक्शन होता है। तो मैंने पूरे लेक्चर में आपको जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको बड़े डिटेल में, इसलिए समावयवता पढ़ाई थी, इसलिए बैलेंसिंग कंप्लीट करना पढ़ाया था, इसलिए आपको एक एक रिएक्शन की ट्रिक बताई है। तो जो भी स्टूडेंट इसी लेक्चर से जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे मेरा बिल्कुल ये कहना रहेगा कि आप स्टार्टिंग से, क्योंकि ऑर्गेनिक आप बीच में से नहीं समझ सकते, बीच में से नहीं पढ़ सकते, आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके आना पड़ेगा, और फिर आप जितने भी चैनल पर लेक्चर्स हैं उनको आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मार्क के आते हैं, और जब ज्यादा मार्क्स के आते हैं बच्चों को आते नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसको इसमें आपको थ्योरी लिख नहीं सकते भाई, इसमें तो आपको रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा ना। तो एक बार इसको देखिए, अपने क्वेश्चन से मैच करके देखते हैं। लिखा था प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br क्या मींस, C4H9Br है कोई वो एल्कोहलिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो मैंने C4H9Br को पहले स्टेट चार्ट में लगा लिया था, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड सीधे दिमाग में ही आता है कि सीधे श्रृंखला बना लो। लेकिन हम जब यहाँ पहुंचे थे तो वो कह रहा था कि जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर हम सोडियम से क्रिया कराएंगे तो उसके उत्पाद से भिन्न होना चाहिए, ऐसे हमें शुरू में ही समझना था यहाँ पर, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो होना नहीं, इसलिए मैंने उसको रखा तो 1 डिग्री का लेकिन उसे टेढ़ी श्रृंखला बनाई, KH एल्कोहलिक से रिएक्शन कराया KBr के साथ OH को H, जिस कारण से Br गया उसके निकटवर्ती से मिला, बॉन्ड इंक्रीज हुआ, एल्किन बन गई। ये एल्किन लिखा है एल्कोहलिक KH से अभिक्रिया कर यौगिक है देता है, फिर ये जो यौगिक है ये HBr से क्रिया करता है, माने इसको मैंने यहाँ नोट किया HBr से रिएक्शन कराया, वो यौगिक क्या मिलेगा, तो कैसे रिएक्शन हुआ, निगेटिव पार्ट HBr का डबल बॉन्डेड उस कारण पे जाएगा जहाँ कम H है, तो इस पर तो एक भी नहीं है, इस पर दो है, तो Br यहाँ आया, H यहाँ पर आया, यौगिक क्या बन गया, यौगिक क्या देता है, जो यौगिक क्या का समावयवी है, तो क्या और क्या को हमने चेक किया कि ये समावयवी है कि नहीं है, तो मिले हमें समावयवी, अणु सूत्र सेम है दोनों के लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। फिर इस गै की इस गै की अभिक्रिया सोडियम से कराई, तो सोडियम से कराने पर जस्ट इसका डबल करना है, आपको पता ही है बुर्ज रिएक्शन होती है, तो ये हो गया। और ये लिखा है जब गै की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक गै माने C8H10 बनता है बना, जो कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड के सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है, जो ये बनना चाहिए ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर सोडियम से रिएक्शन होती जो मैंने पहले करके बताई थी उसके उत्पाद से भिन्न होना चाहिए, माने सीधी श्रृंखला का 8 कार्बन का एल्केन ना होकर टेढ़ी श्रृंखला होना चाहिए, इसलिए हमने टेढ़ी श्रृंखला का एल्केन लिया। फिर हमने इनको पहचाना भी, इनके नाम मैंने आपको बता दिए, लिखे नहीं है, आपको IUPAC बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताई है, तो खुद से भी आप इनके नेम लिख लेंगे। और मैंने पहले कहा है कि जब भी कोई अभिक्रिया आती है उसके अभिकारकों माने रिएक्टेंट्स और उनके प्रोडक्ट के नेम आपने जरूर लिखे आने हैं। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, इसको रिवाइज करके जरूर देखें, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे बहुत देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। बात करते हैं NCERT क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसके लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21, क्या होता है जो वाटरपन में है। पहला है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KH के साथ अभिक्रित किया जाता है, बहुत आसान सी अब आपको देखिए बातें लगेंगी। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, तो नॉर्मल ब्यूटिल, ब्यूटिल मीन्स 4 कार्बन नॉर्मल है तो सीधी श्रृंखला में, क्लोराइड माने सी लगा दिया, बैलेंस ही कंप्लीट करें अगर आप तो ये हो जाएगा। एल्कोहलिक KH मीन्स KH एल्कोहलिक इस टाइप से लिख लें, फिर ये KCl के साथ जाएगा और OH को दिलाएंगे आप H, तो जिस कार्बन के पास से Cl गया उसके निकटवर्ती से माने यहाँ से H दिलाएंगे, अगर ये एक्वस होता तो KCl के साथ जाता OH वहाँ छोड़ देते, लेकिन ये एल्कोहलिक है तो KCl के साथ OH को H निकटवर्ती कार्बन के पास से दिलाएंगे, तो ये देखिए बचेगा CH3 CH2, यहाँ CH बचा, बीच में बॉन्ड डबल हो जाना है CH2 क्योंकि K से Cl निकल चुका है, यहाँ से H निकल चुका है तो बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, और प्लस KCl और प्लस H2, इसकी नेमिंग आप खुद से लिख सकते हैं, ये ब्यूट वनीन है, 1 2 3 4 1 2 में है तो ब्यूट वनीन, ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, ये KH एल्कोहलिक है, आपने नेमिंग जरूर लिखनी है, मैं पहले से कहता रहा हूँ। फिर है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो शुष्क ईथर की तो उपस्थिति है, ब्रोमोबेंजीन लिखिए आप, ब्रोमोबेंजीन का मतलब हुआ रिंग पर Br लगा है, रिएक्शन मैग्नीशियम से होना है, अभिक्रिया मैग्नीशियम से, और शुष्क ईथर की उपस्थिति है, शुष्क ईथर, तो आप पाएंगे ये Mg इसमें अटैच हो जाएगा, मींस ये होने वाला है रिंग पर MgBr, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम जब रिएक्ट हुआ तो क्या हो गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रीनोड रेजेंट भी एरोमेटिक वाला, तो इस टाइप से हो गया। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन कैसे लिखेंगे आप, रिंग पर Cl लगाएंगे, क्लोरोबेंजीन जल अपघटन वाले जल से होता है, मैंने क्या बताया था H2OHOH में रिएक्ट करता है, HCl के साथ जाएगा OH वहां पर आ जाएगा, और फिनोल बनाने का बहुत अच्छा मेथड इसको माना जाता है, क्यों माना जाता है मैं पहले ही आपको बताया, क्योंकि KH एक्वस से रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि Cl डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट है तो इनर्ट होता है, अक्रिय टाइप का होता है KH एक्वस के साथ, इसलिए इसको H2 से HCl के साथ जाता है, OH जाता है, फिनोल बनता है, नेमिंग लिख लेना।
एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय क्वेश्चन होती है। देखिए कितनी इजी इजी है। एथिल क्लोराइड मीन्स दो कार्बन का एस एस सी एल लिखा दो और जलीय क्यूएच माने क्यूएच एक्वस के सी एल के साथ यहां पर ओएच लगा देंगे तो ये सी टू एच फाइव ओएच प्लस के सी एल तो ये आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा माने क्यूएच एक्वस के सी एल के साथ और यहां पर ओएच आएगा तो ये एथिल अल्कोहल पोटेशियम क्लोराइड। तो क्यूएच एक्वस सी एल की जगह ओएच केएच अल्कोहलिक सी एल और यहां से एच निकालेगा और डबल बॉन्ड आएगा। तो इस प्रकार से ये चार क्वेश्चन क्या होता है जबकि कंप्लीट है। इसके बाद अभी इसमें दो पार्ट और बचे हैं क्या होता है जबकि उनको मैं लिखता हूं। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी अब आपके लिए रिएक्शन लिखना हो गया है। साथ में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें ट्रिक्स जब आती जाएंगी रिएक्शन आप लिखना सीखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बचे हुए दो पार्ट जिसमें फिफ्थ है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो मैथिल ब्रोमाइड मीन्स एक कार्बन लगाकर ये मैथिल ब्रोमाइड लिखा आपने सोडियम से करानी है और एरो पर लिखना है शुष्क ईथर। ठीक तो NaBr को निकालेगा और आपको पता है दुगना करेंगे आप दो करेंगे तो दो Na दो Br के साथ और CH3 ट्वाइस होकर यहाँ पर लगने वाला है। ये वुड्स अभिक्रिया इसको कहते हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मैथिल ब्रोमाइड और ये एथिल बन रहा है। इसके बाद मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो मैथिल माने CH3 क्लोराइड Cl हुआ और जब आप KCN से रिएक्ट कराएंगे तो KCl के साथ और CN यहाँ पर आ जाएगा तो CH3CN प्लस KCl क्या बोलेंगे इसको हम मैथिल साइनाइड इसको हम बोलेंगे। ठीक तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये कितने इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी लेक्चर में आपका ये जो NCERT एक्सरसाइज हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर की है वो कंप्लीट हो जाती है जो चैप्टर के बाद है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसी चैप्टर में जो हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर चल रहा है तो जो पाठ्यनिहित प्रश्न है माने जो चैप्टर के अंदर कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी टाइप के उनकी बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जो उपलब्ध लेक्चर्स हैं उनको आप रिटर्न में नोट करते जाइए रिवाइज करते जाइए। और मैं पहले से कहता रहा हूँ जो स्टूडेंट केवल इसी लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चैनल पर उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो कम से कम ऑर्गेनिक अगर सीखना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कराया हुआ है वहाँ से वो लेक्चर्स को देखते आए। चूँकि ये लेक्चर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है उसके बाद आया है लेकिन अब आगे को कंटिन्यूसली आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। चूँकि इस नए सीजन में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पहले आपको फर्स्ट केमिस्ट्री जो है हमारी वहाँ से स्टार्ट कराने वाला हूँ। चैप्टर नंबर जो वन हमारा विलयन है सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट कराने वाला हूँ। लेकिन आप हेलो एल्केन हेलो एरीन तक बहुत अच्छे से अपने प्रॉपर नोट्स कॉपी पर लिख लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की जो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।